दादे घी कम है और घी दे जरा। अरे खुशबू नहीं आएगी तो अपने हलवे का मजा क्या है। ये अब आएगा मजा। ये वसुंधरा जी जरा छाछ गाड़ी गाड़ी रखिएगा मक्खनदार। आप अपने हलवे पे ध्यान दीजिए, खुशबू ना आई अभी तक। अरे घी अभी डाला है, अभी आएगी खुशबू देखिए। श्याम बाबू जी मैडम, सबके कमरों से मैले कपड़े ले लिए हैं ना? हाँ ले लिए। जल्दी से वॉशिंग मशीन में डाल के धुल दीजिए, धूप निकली हुई है, फटाफट सुखा भी दीजिएगा। ठीक है जी। क्या हुआ? बड़ी सासू माँ, बड़ी सासू माँ, दिखाओ। मुँह चाह गई लगता है। अरे जाओ जल्दी से हल्दी लगाओ। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा ना, छाछ बनानी है। अरे जो मैं कह रहा हूँ वो कीजिए ना। अरे तो छाछ बननी है ना। हो जाएगा, छाछ तैयार हो जाएगी, आप जाइए। हाँ बड़ी सासू माँ, चलिए चलिए चलिए। समझते नहीं है आप। चलिए बड़ी सासू, हो जाएगा, शांति रखिए। चलिए चलिए बड़ी सासू माँ। कैसे करेंगे वो अकेले? भैया ध्रुव सर कहाँ है? ऊपर कमरे में। अच्छा नमस्ते अंकल। अरे थपकी बिटिया कैसी हो? अंकल मैं ठीक ठीक हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे आज हमारे पिताजी की बरसी है ना, अनाथ आश्रम से बहुत सारे बच्चों को बुलाया भोजन के लिए, उसी की तैयारी चल रही है। अरे बाप, ऐसे बच्चों को तो खाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। मगर ये छाछ ससुरी बनी नहीं रही है, बच्चे तो 12 बजे तक आने वाले होंगे। अंकल आप कहें तो मैं बना दूं। लेकिन तुम तो ऑफिस के काम से आई होगी ना। एक मिनट अंकल, लाइए। बड़ी सासू माँ आप ना बिल्कुल ही चिंता मत करिए, हम दोनों है ना, हम लोग पूरा काम संभाल लेंगे। आप तो बस अपने हाथ का ख्याल रखिए, है ना? ये फिर से आ गए आपको परेशान करने के लिए। बड़ी सासू माँ ये तो ना गले की हड्डी बन गई है, जाती ही नहीं है। अभी हटाती हूँ मैं इसको, औसम वाली छाछ हम ही बनाएंगे। तुम लोग रसोई घर के अंदर का काम संभालो, मैं देख लूंगी इसे। पर बड़ी सासू माँ आप तो देवर जी के डर से वो लड़की को कुछ बोल नहीं पाएंगे। अरे वाह, मक्खन ऊपर आ रहा है। थपके बेटा। नमस्ते आंटी। देखो ना हमसे लेकर अपने आप कर रही है। तुम बना लोगी बेटा? आंटी ये आपके हाथ में कुछ नहीं है, थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, चलिए अंदर आराम करिए, थोड़ी देर बैठिए। तुम चाहती तो घरेलू कामकाज के इस मेहनत से बच सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया थपके। हमारे परिवार को तुम जैसी ही बहू चाहिए थपके। छुटकी बहुत गर्मी है। अरे बड़की बहुत सही मौका है, जल्दी जल्दी ना हम लोग ये सारा खाना बना लेते हैं और फिर बड़ी सासू माँ खुश होके ना हमका सारा गहना दे देगी। पर वो भी तो घर में आ गई है और उसने बड़ी सासू माँ का काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। अरे बड़ी सासू माँ ने खुद होके वो लड़की को काम थोड़ी ना दिया है, वो लड़की ने खुद होके जिद करके छाछ बनाने का काम लिया है। अरे तभी तो मैं कह रही हूँ, कहीं उसने हमसे जल्दी काम कर लिया और बड़ी सासू माँ को इम्प्रेस कर दिया तो हमारे गहने कहीं उसके पास ना चले जाए। वो कल की आई लड़की इतने सारे लोगों का छाछ कहाँ बना पाएगी, वो भी इतने कम समय में। उससे पहले ना हम लोग फटाफट काम खत्म करते हैं और बड़ी सासू माँ से जाके ना गहने हड़प लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी बनाओ। अरे बड़की इतना कम समय में इतना काम करना हर किसी के बस की बात थोड़ी ना है। हाँ चुटकी देख, खाना तो पूरा हमने बना लिया है, बस अब छाछ बननी बाकी है। थपकी छाछ बनने में कितना देर है? अगर ये पूरा बर्तन भरा नहीं तो बच्चों को छाछ कम पड़ जाएगी,
पक्का है ना? बच्चे लोग आने ही वाले हैं। मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ। बढ़िया। तबकी यहाँ क्या कर रही हो? सर आपका प्लास्टर खुल गया, अब आपकी चोट कैसी है? मैं देखो, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें ऑफिस के काम के लिए बुलाया था ना। माँ कहाँ है? वो सर आंटी जी के हाथ में मुंह चाहिए, और वैसे भी ये सब अनाथ बच्चों के लिए, मुझे भी हेल्प करके अच्छा लगेगा। वैसे तुम्हें छाछ बनानी आती है ना? हाँ सर, मेरी माँ ने सिखाया है, पर इतनी सारी आज पहली बार बना रही हूँ। क्या कह रही हैं पूनम जी, नकली सोने की अंगूठी? हाँ, मैंने खुद सुना जब मैं बाहर सब्जी लाने गई थी ना। किसे पता चलेगा अंगूठी असली है कि नकली है? दुकानदार ने तो कहा है कि अगर पानी गिरा ना तो पौड़ी छूट सकती है। अरे तो पानी गिराएगा कौन? हम क्या करेंगे, किसी ना किसी बहाने से निमो से अंगूठी वापस ले लेंगे। निम्मी जी इतना कुछ कर रही है इनके लिए, और ये लालची लोग, आज इन लोगों ने नकली सोने की अंगूठी दी, कल को पता नहीं क्या करेंगे ये लोग निम्मी जी के साथ। बेटा तू कहीं बाहर जा रही है? हाँ पापा, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, पर उससे पहले मुझे एक जरूरी काम है, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो। बेटा ऐसा कौन सा काम है? मैं बताती हूँ पापा, आप बस साथ चलो। चुटकी, इसकी छाछ तो बनने वाली है, लगता है हमारे सारे गहने गए इस तबकी के पास। अरे ऐसे कैसे हमारे गहने इस तबकी हड़प लेगी? इस तबकी को ना कैसे भी करके ना हारना ही होगा। अरे पर कैसे, इसकी छाछ तो ऑलमोस्ट रेडी है। अरे बन गई है, पर बड़ी सासू माँ ने तो नहीं देखा है ना। मतलब? नहीं मतलब ही कि तुम अभी यहाँ रुको, अब भी आते हैं। ये राम प्यारी, हमरे संग चलो ना, तुम हमरे संग नहीं जाओगी ना, हमरा बहुत ही नुकसान हो जाएगा, समझती है नहीं हो? ससुरी बाबूजी की तरह सीटी बजाने पर भी नहीं आती। बस आखिरी बार छाछ निकालना बाकी है, अभी तो थोड़ा समय है, ये काम भी हो जाएगा। छाछ तो बन गई है, पर ये छुटकी कहाँ रह गई है? Thank you.
अब इतनी छाछ हम और कैसे बनाएंगे? हमारे मिक्सर में भी पूरे दिन भर इतनी छाछ नहीं बनेगी। क्या करें? चलो अंकल। वजह जाए कोई भी हो तपती, पर आज तुम हार गए। मुझे लगा था तुम गृहस्थी संभालने के काबिल हो, पर आज तुमने मुझे बहुत निराश किया, बहुत ज्यादा निराश किया। दस मिनट ही बचे और बच्चे भी आने वाले होंगे, अब मैं क्या करूं? ये हुई ना बात, छुटकी बच्चे तो अभी आते होंगे, अब ना इतने जल्दी छाछ बनेगा और ना ही बच्चे को मिलेगा और ना थपकी को कहने मिलेंगे। अब तुम देखना, उस थपकी को ना सजा मिलेगी सजा, पर बड़ी सासू माँ ना उसको घर से धक्का मार के बाहर निकाल देगी और फिर वो गहने हमारे। जाकर बसु आंटी को बोल दूं कि मैंने छाछ बनाई थी, पर नहीं, उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया है, मुझे मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। राधे, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए हैं, मैं छत पे सुखाने जा रहा हूं, बच्चे आने वाले हैं, तुम जरा गेट पर ध्यान रखना। मैडम जी, आप ये वॉशिंग मशीन यहाँ क्यों लगवाएंगी? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ में आ जाएगा। आप इस मशीन को इतने अच्छे से साफ करेंगे, कुछ तो बताइए। क्योंकि छाछ अब इसमें बनेगी। छाछ और इसमें? इसलिए इसका अंदर से साफ होना बहुत जरूरी है। मैडम जी, छाछ इसमें बन सकती है? भैया, मैंने कहीं पढ़ा है कि पंजाब के कुछ ढाबों में इसी तरह से छाछ और लस्सी बनाई जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूं। तुम्हारी छाछ नहीं बनी तो ही कपड़े धोने का काम पकड़ लिया का तुमने? अगर कपड़े धो ही रही हो तो मेरी 3-4 साड़ीज भी धो लेना प्लीज। अरे नहीं, मैं कपड़े नहीं धो रही थी, मैं तो छाछ बना रही थी। छाछ और वॉशिंग मशीन में? एक मिनट। बहुत अच्छे से साफ करके बनाया, एक बार पी के देखिए ना कैसे बना। इतनी अच्छी भी नहीं है। ये बुड़बक ना तू। अरे पर कहाँ पर? ये बार ना थपकी को हम किसी भी हालत में नहीं जीतने देंगे, और सासू माँ के गहने तो हम पाके ही रहेंगे, फिर चाहे ना हमें इका लिए कुछ भी करना पड़े। अरे चुटकी, पर उसकी छाछ तो बहुत हसन बनी है, अब तो क्या करेगी? तुम बस देखती जाओ कि हम क्या करते हैं।
अच्छी तो है। दस मिनट में छाछ बन गई, बच्चे भी आने वाले होंगे।